हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब सो देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द सम टेक्निकल इश्यू कोई बात नहीं बच्चों दोबारा से स्टार्ट करेंगे सो दिस इज़ मी रीमाशील एंड आई एम हियर विद योर क्लास सेवन सोशल साइंस इवेंट आज हम जो क्लास ले रहे हैं बहुत ही स्पेशल है बच्चों आप मेरे साथ करेंगे एक स्पेशल जर्नी जिसमें हम जाएंगे अपने अर्थ के सेंटर के अंदर ठीक है तो अर्थ के सेंटर के अंदर जाके हम सारी चीजें वहां पे स्टडी करेंगे वी विल हैव अ वंडरफुल जर्नी 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 टू द इनसाइड ऑफ द अर्थ यहाँ पे हम अर्थ के अंदर की चीजें देखेंगे यहाँ या यह वहां नहीं हम बिल्कुल इनसाइड जाके देख चीजें देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीजें हमें अपने पृथ्वी के अंदर मिलती है बच्चों बाहर तो हम सब कुछ जानते हैं वी हैव ट्रीज वी हैव रिवर्स वी हैव मेनी लैंड एरिया कॉन्टिनेंट सब कुछ है अंदर क्या है चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे साथ सेशन दिस इज मी रीमा शील. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट का बटन जरूर दबाइएगा ठीक है जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे सो so बच्चों इससे पहले कि हम स्टार्ट करें छोटा सा अनाउंसमेंट हमारा है क्लास सेवन इंग्लिश मीडियम का वी कोर्स स्टार्ट हो चुका है ठीक है ये आ, इस वी कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं नोट्स आपको दिए जाते हैं होमवर्क आपको दिया जाता है टाइम टेबल आपको दिया जाता है टेस्ट आपके वीकली होते हैं हम एनसीआर के सोल्यूशन देते हैं एक्स्ट्रा बुक्स बताते हैं इसी के साथ ही बच्चों टॉप टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं बेस्ट रिजल्ट हमारा आता है साथ ही यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस काफी सारे होते हैं ये आपके टीचर्स हैं बच्चों जो आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ाएंगे दे आर दी टॉप टीचर्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स ठीक है बच्चों ने 90% परसेंट या 85% परसेंट के साथ यहाँ पे स्कोर किया है ठीक है साथ ही बच्चों यहाँ पे डाउट इंस्टीट्यूट जो कि डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में है ठीक है होमवर्क टेस्ट इन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं सो so, क्लासेस चाहे क्लासेस के टाइम पे देखें या बाद में ये आपके ऊपर डिपेंड होता है जस्ट बिकॉज हमारे पास क्या है बच्चों हमारे पास है रिकॉर्डेड लेक्चर्स ठीक है हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं सो so, क्या यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर्स अपलोड करी है क्वेश्चन की और इसको सीधा अपलोड कर दिया आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिलता है होमवर्क अपलोड करते हैं होमवर्क के भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको सिर्फ यही नहीं बोला जाता कि भैया सॉल्व कर लीजिए यू गेट दी वीडियो सोल्यूशन बच्चों आप कोई भी कमेंट करते हैं टीचर्स आपको कमेंट में ही रिप्लाई करती हैं ठीक है ठीके? ये भी एक बड़ा अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या हमसे जानकारी ले सकते हैं अधिक से अधिक इसी के साथ ही आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं सो so, क्या आप क्लास सेवन्थ का वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे एक पोल आएगा जल्दी से क्लिक करिए बच्चों यहाँ पे हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हम क्या करने जा रहे हैं हम अपने अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे हमारा अर्थ ठीक है हमारी पृथ्वी आप सभी जानते होंगे हमारी पृथ्वी अपनी ही जगह पे गोल घूमती है ठीक है हमने बाहर से तो बहुत कुछ देखा है कैसे है कैसे लैंड एरिया है कैसे इसका ग्रीनरी है कैसे कॉन्टिनेंट है कैसे वाटर एरिया है ठीक है एवरीथिंग वी नो बट इसके बारे में और चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है इस पृथ्वी के अंदर क्या है कैसे बनी है ये पृथ्वी ठीक है इसी के बारे में हम चीजें जानेंगे एंड वी विल कंसिडर मेन पॉइंट्स टुडे हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं क्या होती है सारी चीज़ें वी विल रिकॉल एवरीथिंग ठीक है तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ठीक है क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर कैसी चीजें बच्चों पृथ्वी के अंदर कैसी चीजें हैं बच्चों यहां पे आपको बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड होके मिलेगा ठीक है कितनी कितनी कैसी लेयर्स होती हैं ये हम देखेंगे तीन लेयर्स में बच्चों चीजें होती हैं सबसे पहले होती है क्रस्ट ठीक है क्रस्ट हमारी सबसे ऊपरी सतह होती है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक है सो आर अर्थ इज बिंग डिवाइडेड इंटू थ्री लेयर्स हमारे अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाएं तो हमारे थ्री लेयर्स होती हैं अर्थ की सबसे पहली हमारी होती है क्रस्ट ठीक है क्रस्ट वो लेयर होती है जहाँ पे ह्यूमन बींग सर्वाइव करते हैं ठीक है ठीके? जहाँ पे हम लोग रहते हैं राइट right? एक नॉर्मल सी चीज है जहां पे आप खड़े हैं जहाँ पे आपका घर है जो जमीन हमारी है वो हमारी क्रस्ट कहलाती है उसी के जब अंदर नीचे आप आते हैं ठीक है ठीके? ये इतना पोर्शन जो आपका होता है दैट इज योर मेंटल क्या कहते हैं बच्चों उसको मेंटल मेंटल क्या है ठीक है मेंटल इज अ लावा ठीक है ये लावा पोर्शन होता है लावा क्या होता है बच्चों ये वॉल्केनो इरप्शन जिसको आप कहते हैं ठीक है मैं अभी आपको बताऊंगी जब आपको लेयर्स पढ़ाऊंगी एक एक आप क्रस्ट के अंदर क्रस्ट को हम देख सकते हैं क्योंकि उस पर हम रहते हैं ठीक है ये सबसे ऊपरी सतह जितनी भी आपको लेयर्स दिख रही हैं हम कॉन्टिनेंट जि, जिस भी ज़मीन पे हम रहते हैं वो हमारी ऊपरी लेयर होती है सेकंड जो हमारी लेयर आती है दैट इज मेंटल ठीक है मेंटल किससे बनी होती है ये लावा से बनी होती है ये आपको मॉल्टन मैग्मा में मिलेगी यह आपकी दूसरी सतह होती है बच्चों ठीक है ये आपके लावा फॉर्म में मिलती है लावा क्या होता है एक तरीके का लिक्विड फॉर्म होता है ये सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं ठीक है थोड़ा लिक्विड पदार्थ ठीक है तरल पदार्थ लेकिन थोड़ा सा थिक ठीक है जैसे आप खीर को ले सकते हैं ठीक है खीर की तरह ये एक्चुअल में होती है उसके बाद हमारा सबसे इंटरनल पोर्शन जो आता है वो होता है कोर यह आपकी थर्ड लेयर होती है कोर भी बच्चों दो चीज़ों में डिवाइडेड है एक होता है ये कोर ठीक है जो आपके इस इस चीज को कहा गया एक बिल्कुल ही अंदर अंदरूनी हिस्से को हम कहते हैं इनर कोर ठीक है इनर कोर एंड आउटर कोर तो ये दोनों चीजें हमारी हो जाती हैं राइट कोर ठीक है कोर सबसे इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ सो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे हमने देखा हमारे अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं ठीक है पहली होती है बच्चों हमारी क्रस्ट मैं स्लाइड को क्लीन करूंगी आपको दोबारा बताऊंगी ठीक है हम तीन लेयर्स में अर्थ को पढ़ते हैं। पहली होती है बच्चों क्रस्ट दूसरी होती है हमारी मेंटल तीसरी होती है हमारी कोर कोर भी बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड होती है फर्स्ट इज योर इनर सॉरी फर्स्ट इज योर आउटर कोर सेकंड इज योर इनर कोर ठीक है इनर और आउटर कोर में हमारे अर्थ का बिल्कुल इंटरनल हिस्सा होता है समझ आई बात तो तीन लेयर्स के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे अगर मैं इसको एक और डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आप ऐसे करके देख सकते हैं बच्चों ठीक है हमने अर्थ को क्या किया हाफ काट के लेयर्स को ऊपर लेके आ गई ठीक है तो ये आपका हो गया बिल्कुल कोर ये आपका आउटर कोर हो गया ठीक है आपने एक देखा है ना बच्चों एक के अंदर जब आप उसकी लेयर को हटाते तो एक झिल्ली टाइप की निकलती है ठीक है पतली सी एक कोई लेयर निकलती है कभी एक बॉयल एग को उसको निकाल के देखना जब आप ऊपर की सतह निकाल देते हैं तो एक पतला सा छिलका सा निकलता है ठीक है पतली सी एक झिल्ली टाइप की निकलती है उसको झिल्ली कहते हैं ठीक है सो so वो जो उस टाइप की होती है ना तो आप कह सकते हो कि एक एक कवरिंग तो आउटर कोर और इनर कोर में ये दोनों चीजें डिवाइडेड है सेकेंड जिसमें हमारा लावा हमें मिलता है दैट इज द मेंटल और सबसे ऊपरी सतह जिसमें हम रहते हैं या हमारे पेड़ पौधे हमारे जो जीवन जीवन हम व्यतीत करते हैं ठीक है ह्यूमन बींग सर्वाइव करते हैं दैट इज दी अपर मोस्ट लेयर एंड थिनेस्ट लेयर इज दी क्रस्ट ठीक है इसी के साथ ही बच्चों आगे चलते हैं अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है ठीक है क्या हम अर्थ को एग से कंपेयर कर सकते हैं सो so, एग वर्सेस अर्थ मैंने आपको क्या कहा अर्थ हमारा थ्री लेयर्स में है ठीक है इमेजिन करो बॉयल एग ठीक है मैंने यहाँ पे बॉयल एग का एक वीडियो लगाया है ये क्या हो रहा है ये हो गई आपकी सबसे ऊपरी लेयर जब आ, आप एग को बॉयल कर लेते हैं और उसको छीलते हैं तो आपका ये सबसे ऊपर जो लेयर निकाल देते हैं ठीक है ये बहुत ही हार्ड होती है लेकिन बहुत पतली होती है तो हम अंडे को अंडे को पूरी तरीके से अर्थ के रूप में मान सकते हैं क्रस्ट ठीक है सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट सेकेंड जो आपका व्हाइट पोर्शन आता है ये पोर्शन जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड दी व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड दी मेंटल थर्ड पोर्शन जो आपका बिल्कुल येलो पार्ट होता है होता है अर्थ का ठीक है और अंदरूनी हिस्सा होता है वो हम कोर की तरह ले सकते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड दी कोर तीनों लेयर्स में डिवाइड हो गए नाउ क्रस्ट कोर और मेंटल ठीक है ये हमारे अर्थ के लेयर्स हो गई है अब हमने मैंने आपको बेसिकली अर्थ से अगर एक को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही हम सेम कह सकते हैं अगर हम एक एग्जांपल लेके चले तो सो हाउ वी नो याद रखिएगा बच्चों क्रस्ट मेंटल एंड कोर कोर को भी क्या कर सकते हैं इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड करेंगे अब जानते हैं एक-एक करके सारी लेयर्स के बारे में ठीक है सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग कि अर्थ को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने एग से ठीक है चलो अब क्रस्ट के बारे में चीजें जानते हैं क्या है क्रस्ट सबसे पहले तो बच्चों क्रस्ट इज द टॉप लेयर सबसे मेन पॉइंट सबसे ऊपरी सतह जहां पे हम रहते हैं हम मेंटल में नहीं जा सकते क्यों क्योंकि वहां पे है लावा टॉप लेयर होती है प्लस ये सबसे पतली लेयर होती है थिनेस लेयर ऑफ ऑल दी थ्री लेयर्स तीनों सतहों के कंपैरिजन में सबसे पतली लेयर आपकी क्रस्ट कहलाती है अब ये क्रस्ट कैसी होती है बच्चों अगर आप अपने अर्थ को देखें ठीक है मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया है ठीक है यहाँ पे आपके पहाड़ वगैरह हैं ठीक है ये आपके ओश्चन है ठीक है और ओशन के नीचे भी जमीन है कभी आपने देखा है स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल के क्या नीचे क्या पानी पानी होता है अगर आप डू, डीप स्विम कर सकते हैं पानी के बिल्कुल गहराइयों तक जा सकते हैं तो आप क्या देखते हैं नीचे भी कहीं ना कहीं क्या होती है क्रस्ट यानी कि जमीन होती है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है जहाँ पे गड्ढा बन गया तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ ये हमारा क्रस्ट है ठीक है हमारी लेयर है ठीक है यहाँ पे क्या पहाड़ है नदियाँ हैं सब कुछ है ठीक है लेकिन ये नीचे की तरफ एक गड्ढा बन गया और यहां पे है हमारा पहाड़ यहां पे है हमारे ओशियंस या सीज कुछ भी ले लीजिए तो हमारी जमीन ने क्या किया एक तरीके का गड्ढा बना लिया और ये हमारी ओशनिक क्रस्ट कहलाएगी ऐसी जगह जहां पे पहाड़ हैं यहां पे जहां पे ह्यूमन बींग्स सरवाइव कर रहे हैं वो हमारी कहलाती है कॉन्टीनेटल क्रस्ट क्या कहलाती है बच्चों कॉन्टीनेंटल क्रस्ट और वही जहां पे ओशंस है ओशंस के नीचे की जमीन है उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, ठीक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो क्रस्ट हो गई ठीक है तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एक कॉन्टिनेंटल जहां पे हम रहते हैं ठीक है ठेके? एक होती है हमारी ओशनिक क्रस्ट जहाँ पे हमारे ओशंस के नीचे की जमीन आती है आप चलते हैं आगे अब आगे हम देखेंगे अपनी दूसरी लेयर के बारे में मेंटल क्या है मेंटल बच्चों लावा लावा ज्वालामुखी ठीक है ज्वाला जो हमारे जमीन के अंदर से आग की एक एक प्रेशर निकलता है आग की नदी निकलती है उसको हम मेंटल कहते हैं ये ऊपरी लेयर जो हमने देखी इसको तो हमने बच्चों इजीली मान लिया कि ये हमारी क्रस्ट हो सकती है लेकिन ये जो दूसरी लेयर है ठीक है ये हमारी पूरी कहलाती है मेंटल ठीक है क्या कहलाती है बच्चों मेंटल क्या है इस मेंटल में इस मेंटल में सिर्फ और सिर्फ आपका लावा है बच्चों ठीक है ऐसा लावा के पूरा आ, मतलब अगर उसमें कुछ भी डालो तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपको लावा मैं ऐसे दिखाऊं तो ये होता है हमारा लावा ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है हम अर्थ के अंदर एक अगर मैं मेंटल की बताऊं तो बच्चों पचास किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट होती है ठीक है उसके नीचे हम नहीं जा सकते क्यों ऑब्वियस ही बात है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो करीबन आपका 3000 से 6800 फरेनहाइट तक होता है 102 तो हमारा बुखार हो जाता है ठीक है तो आप समझ लो कितना हाई टेम्परेचर है एंड एनीथिंग कैन डिसॉल्व इन दिस की नदी ठीक है दैट इज कॉल्ड द लावा समझ आई बात ये हो जाती है हमारी दूसरी लेयर कितनी चौड़ी होती है ये होती है बच्चों दिस इज दी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर कहा पचास हमारी क्रस्ट और कहा दो हजार नौ सौ किलोमीटर है बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट चलो अब देखते हैं अपनी तीसरी लेयर के बारे में ठीक है जो हमारी आती है कोर क्या है कोर तो कोर से हम एक चीज तो नॉर्मली समझते हैं कि कोर क्या है हमारे अर्थ का सबसे इंटरनल हिस्सा हमारा कोर कहलाता है हमने कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक है इनर कोर एक है आउटर कोर ठीक है अब ये कोर का मतलब क्या है कोर बच्चों आप कोर नाम से ही समझ पाएंगे द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ठीक है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जस्ट वन सेकेंड बच्चों इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ठीक है द बिल्कुल अर्थ के अंदर का हिस्सा आपका कोर कहलाता है इसमें इनर कोर और आउटर कोर ठीक है दो चीजें हो गई नाव यहाँ पे बच्चों कुछ चीजें पढ़ेंगे हम ठीक है ये हमारा दो चीजों से बना होता है दैट इज वन इज निकल एंड योर फेरस ठीक है क्या है फेरस फेरस बच्चों फेरस को हम आयरन के रूप में भी जानते हैं ठीक है तो इसलिए इसको हम कहते हैं नाइफ से बना होता है कितना गहरा होता है बच्चों ये ये होता है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर डीप ठीक है तो कोर हमारा इतना गहरा आपको मिल जाएगा आसानी से ये हो गया कोर इसी के साथ ही बच्चों हम जब ज़मीन के नीचे देखते हैं तो बहुत सारे आपके डायमंड गोल्ड ऐसी चीज़ें हमारे इन्हीं लावा के और एक रॉक साइकिल चलती है उससे बनती है आप इस चैप्टर के बारे में और अधिक जान सकते हैं क्योंकि मेरे क्लास सेवन्थ में जो मॉर्निंग में क्लास लगती है उसमें यही चैप्टर चल रहा है और बहुत ही डिटेल में उसमें पढ़ाया जा रहा है आप क्लासेस को ज्वाइन करिए ठीक है क्लास सेवन की क्लास मेरी सुबह नौ बजे और शाम को पांच बजे लगती है तो आप इन दोनों टाइमिंग्स में ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अब एक छोटा सा क्विज लेते हैं और क्विज में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर द क्विज इज विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ ठीक है मेंटल कोर क्रश या नन ऑफ दीस बताइए बच्चों थर्टी सेकेंड आपको मिलेंगे जल्दी बताइए नेक्स्ट नेम द layer विच इज फाउंड इन मोल्टन स्टेट ठीक है कौन से हमारे मोल्टन स्टेट यानी कि सेमी लिक्विड स्टेट में मिलता है कोर मेंटल सिलिका या none of these. जल्दी बताओ बच्चों

आ, लावा ठीक है जिसको हम लावा भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में वॉलो इरप्शन होता है हमारा तो ये आपका मिलता है मेंटल में, में यानी कि आपकी दूसरी लेयर जिसमें जाना इम्पॉसिबल है कितना इसका किलोमीटर डिस्टेंस कितना है दैट इज 2900 किलोमीटर ठीक है इसी के साथ ही बच्चों अब करेंगे अपने क्लास का एंड ऐसी ही कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डाउटमेट के चैनल पर होती है बच्चों वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऐसे ही कुछ इवेंट्स आपके सामने आते रहेंगे अगर आपको ऐसी ही चीजें और जानी है जस्ट टेल मी इनटू द कमेंट सेक्शन और मैं इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए अ नाइस डे बाय बाय